सर्दियों में अश्वगंधा खाने के क्या क्या फायदे होते हैं? आपको शायद ये जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। सर्दियों में, और वो भी खासकर पुरुषों के लिए, इसके 8 इतने बड़े बेनिफिट आपको बताऊंगा कि आप आज से ही अश्वगंधा खाना स्टार्ट कर दोगे। देखिए दोस्तों, वैसे महिलाओं के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ बीमारियां आपको ऐसी बता दूंगा इसमें जो कि महिलाओं और पुरुष दोनों में भी होती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ खास बात भी आपको बताऊंगा कि आपको किस बीमारी में ये फायदा देता है और इसमें क्या क्या आपको पोषक तत्व मिलते हैं और आपको किस तरीके से खाना चाहिए। बहुत कमेंट आती है मेरे पास अश्वगंधा से रिगार्डिंग, तो आपके ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। देखिए, अश्वगंधा एक पौधा होता है जो कि अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और आजकल इसकी खेती भी की जा रही है अश्वगंधा की। इसका चूर्ण भी मार्केट में अवेलेबल होता है। अश्वगंधा की जो जड़ें होती हैं, पत्ती होती हैं, हर चीज काम में आती है, तो इसकी जो जड़ों का चूर्ण आता है खास तौर पर, उसको पुरुषों के लिए सबसे खास बताया जाता है। अब ये डाबर का भी आता है, पतंजलि का भी आता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच आपको लेना है रोजाना। और सर्दियों में सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपके अंदर अगर परफॉर्म्स करने की शक्ति कम है, देखिए मैं डीपली नहीं बताऊंगा पुरुषों को, लेकिन मेरी एक इशारे से समझ जाना मैं क्या कहना हूं, क्योंकि फेसबुक सारी चीजें समझ जाती है और वीडियो को स्टॉप कर देती है, तो मैं वो बात आपको बता रहा हूं उस वीडियो में जो कि जिसको अश्लील माना जाता है बोलचाल की भाषा में, जिसको आप सेक्स पावर बोल सकते हैं। इसलिए जिन पुरुष भाइयों की पावर कम है, उनके अंदर उत्तेजना की कमी है, अगर वो करते भी हैं उनका स्खलन जल्दी हो जाता है या फिर मन ही नहीं करता है, कुल मिला के बात है कि वो अपने इस परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है, ना उनकी वाइफ संतुष्ट है, अगर इस शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि आपको कोई भी इंग्लिश मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि अब क्या करते हैं कि जब भी बेड पर जाते हैं तो इंग्लिश दवा लेकर जाते हैं और उसको खाने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं और आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, जिसको फिर आप नेक्स्ट टाइम आपको खाना ही पड़ता है, उसके बगैर आप कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन शरीर को अंदरूनी ताकत चाहिए, अंदरूनी ताकत के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपको ऐसी इंग्लिश दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़े। तो अगर आपको उत्तेजना या पावर की कमी आपके अंदर, तो रोजाना खाइए सर्दियों में, ठीक है। दूसरा आपको फायदा मिलने वाला है पुरुषों के लिए कि आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है, स्पर्म मोटिलिटी है, बहुत कम है, और इसकी जो काउंट होता है स्पर्म काउंट, जो कि एक स्वस्थ पुरुष में 2 करोड़ के करीब होना चाहिए, अब उनमें ये काउंट बहुत कम हो जाता है, किसी किसी में तो 20 लाख ही रह जाता है। जिस वजह से काउंट कम होने की वजह से क्या होता है पता है? बाप बनने में परेशानी आती है, फिर महिलाओं को दोष दिया जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, उस महिला में कमी है। ऐसी बात नहीं है, पुरुषों में भी कमी पाई जाती है, उनकी स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म काउंट चेक अगर ठीक है तो उनको दिक्कत नहीं है, अगर कम है तो फिर पुरुष के अंदर ही कमी मानी जाती है। तो ये आपकी इस चीज में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करता है, स्पर्म काउंट को एकदम से बढ़ा देगा और स्पर्म की क्वालिटी को एकदम बेहतर कर देगा, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तीसरा फायदा यह है कि जब जिस दिन आप इसको लेते हैं, जिस रात आप इसको लेते हैं, आपको अगर नींद की प्रॉब्लम है, देखिए नेचुरल नींद आ रही है अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती है तो ये नींद की प्रॉब्लम को खत्म करता है, इससे आपको नेचुरल तरीके से नींद आती है अश्वगंधा खाने से, और ये नींद की जो बीमारी होती है, ये जो डिसऑर्डर होता है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको पिल्स वगैरह अगर हैबिट है तो उनको छोड़कर इस तरफ जाएं, जिससे कि आपको कभी पिल्स ही लेनी ना पड़े, नेचुरल तरीके से नींद आती है, ठीक है। और जो मानसिक शक्ति होती है उसको इम्प्रूव करता है, दिमागी शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान रखिए, अगर आप स्ट्रेस में रहती हैं, तनाव की प्रॉब्लम है, जिस वजह से कई लोग क्या है, देखिए डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं,
जिस वजह से इनसे आपके शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए तनाव से जो आपके शरीर के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तनाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तनाव को इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं। तो ठीक, अगर टेंशन देखिए चिंता चिता के बराबर होती है, चिंता टेंशन एंजाइटी ये सारे मिलते जुलते शब्द होते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर डिप्रेशन में रहते हैं या फिर आपको मानसिक बीमारी है तो निश्चित आपको इस चीज में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर इस वीडियो को डायबिटीज वाले देख रहे हैं तो आंख बंद करके सर्दी सर्दी अश्वगंधा का यूज कर लेना। मेरे कहने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, अगर आपका हाई हो जाता है तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है अश्वगंधा, और नेचुरल जड़ी बूटी होती है, ठीक है, प्लांट बेस्ड ये मेडिसिन होती है। तो ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए ये रामबाण औषधि होती है। रोजाना रात को दूध में ये एक चम्मच डाल के इसका चूर्ण, आप कोई सा भी ब्रांड ले लेना, पतंजलि का ले लेना, उसको एक चम्मच डाल के चूर्ण को एक गिलास दूध में पी जाना। साथ में चाहे थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, नहीं अगर डायबिटीज है तो मीठा मत खाइएगा, नहीं है तो आप गुड़ के साथ इसका सेवन करिएगा, शहद डालकर सेवन कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ध्यान रखिए, डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छी औषधि होती है ये। और देखिए, कोलेस्ट्रॉल जिनकी बॉडी में है, अगर जैसे कि अभी अभी जांच हुई है, आपको पता लगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, अगर हाई को बिल्कुल लो पर लाना चाह रहे हैं तो इस औषधि को अवश्य यूज करें। और जब दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो डबल टॉन यानी बिल्कुल बिना मलाई वाला दूध, बिना चिकनाई वाला दूध पीना है, और उसमें एक चम्मच डाल के पीना है इसको, फिर देखना कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना जल्दी कम होता है। 1 महीने भी इसका सेवन करोगे तो हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल ही नहीं रहे आपकी बॉडी में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की बीमारियां बनती हैं, हार्ट अटैक तक आ जाता है। ध्यान रखिए, दिल की धमनियों में मोम जैसा एक पदार्थ होता है वो जम जाता है, जिस वजह से ब्लड रुक जाता है और ऑक्सीजन रुक जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं, इसका प्रयोग अवश्य करते रहें। और आखिरी फायदा इससे कैंसर तक में होता है, लेकिन देखिए जिनके कैंसर हो चुका है उनके लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर इसको खाते रहेंगे तो कैंसर नहीं होता है। ध्यान रखिए, कैंसर से बचाव होता है, इससे कैंसर से लड़ने वाली जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट होती है। इसलिए इस बीमारी के लिए भी पहले से तैयार रहें, इन चीजों का इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी कैंसर नहीं बने, ठीक है। तो भाइयों, पुरुषों के लिए ये इस तरीके से फायदेमंद होता है, और महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल तो महिलाओं में भी बढ़ता है, तनाव महिलाओं में भी बढ़ता है, कई बीमारियां जो हैं जो पुरुष और महिलाओं की मिलती जुलती हैं। अगर महिलाएं भी इस चीज का इस्तेमाल करती हैं तो उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम में जो उनको फेस करनी पड़ती है, कई सारी दिक्कतें, वो सारी दिक्कतें खत्म होती हैं। समय पर पीरियड्स आता है, ओवुलेशन समय पर आता है, जिससे मां बनने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। और देखिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर भी होती है, तो उनके अंदर भी ये बूस्ट करता है, उनके अंदर जो जैसे कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उनको इसको इंक्रीज करता है, तो महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसको भी इंक्रीज करता है, जिस वजह से उनके अंदर भी सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म होती है। तो दोनों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन स्पर्म क्वालिटी सिर्फ पुरुषों में ही होती है, तो स्पर्म क्वालिटी इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है ये मान के चलिए, जो कि पुरुषों के लिए खासतौर पर ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। तो दोस्तों, अश्वगंधा सर्दियों में इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मैं बहुत सी चीजें आपको खाने के लिए बताता हूँ, कोई भी एक किस्त में आप कोई भी अपने मन से चुन लीजिए, और खासतौर पर अपनी बीमारी देखिए उस हिसाब से चुनाव कीजिए। अगर अश्वगंधा खाते हैं तो आपको जो मैंने बताई है वो आप पर लागू होती है या नहीं, ये खुद डिसाइड करना, ठीक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे यूजफुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।